Future in hands. Hello friends, this is Vivekananda Sinha from Future in Hands. Friends, I hope आप हमारे YouTube tutorial को पसंद कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने office में apply भी कर रहे हैं. Friends, आज मैं आपके सामने Microsoft PowerPoint के एक ऐसे awesome trick की information दूंगा जिसे apply करके आप भी अपने office में हो जाओगे awesome. फ्रेंड्स, जब हम लोग पावर पॉइंट स्लाइड्स पे काम करते हैं या किसी प्रेजेंटेशन में ऑफिस में काम करते हैं तो जनरली ये सिचुएशन काफ़ी एक आता है कॉमन सा कि हमें अपनी टीम का स्ट्रक्चर दिखाना पड़ता है पावर पॉइंट स्लाइड में, एक सिंगल स्लाइड में. और चैलेंजेस कब आते हैं, जब हमारे पास जो फोटोज़ होते हैं अपने टीम के वो डिफरेंट साइजेज में होते हैं, कोई लैंडस्केप मोड में हो गया, कोई पोर्ट्रेट मोड में, और उसमें साइजेस भी डिफरेंट होता है, कोई बड़ा या छोटा. जब हम उसे पावर पॉइंट में ले जाते हैं उस फोटोज़ को, तो चैलेंज क्या आता है मैनुअल एडजस्टमेंट में, एंड विच टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, और आपके काफ़ी टाइम टेकिंग होता है वो एक्टिविटी, और उस लेवल का परफेक्शन नहीं आ पाता है, ठीक है ना. तो आज मैं आपके सामने ये सिचुएशन को ओवरकम करने का एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, विच इज़ रियली एन ऑसम ट्रिक. मेरे सामने एक कुछ फोटोज़ हैं, आप देख रहे हो डिफरेंट साइजेस के आ रहे हैं. अब मैं इसे पावर पॉइंट में ले जाता हूँ, देखते हैं इस ट्रिक को कैसे अप्लाई कर सकते हैं. ये मेरे पास पावर पॉइंट का एक स्लाइड है. मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा इंसर्ट में, और इंसर्ट में पिक्चर्स के ऑप्शंस आते हैं. सो मैं पिक्चर्स को सिलेक्ट करूँगा एंड आई जस्ट ब्राउज दैट फोल्डर. तो ये फोल्डर आपके सामने, ये फोटोज़ आपके सामने हैं. अभी मैं सिलेक्ट करूँगा किसी और को और प्रेस कर दूँगा कंट्रोल ए. कंट्रोल ए से ये सारे पिक्चर्स सिलेक्ट हो जाएंगे. नाउ आई जस्ट गो टू इंसर्ट वन. इंसर्ट का आपके यहाँ बटन दिख रहा है. इंसर्ट बटन प्रेस करते ही आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास फोटोज़ तो आएंगे, बट वो डिफरेंट साइजेस के आएंगे, एंड यहाँ पर हमारे चैलेंजेस आते हैं. अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे एक सिंगल क्लिक पर ये एक आपके टीम स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा. आपके सामने जैसे आप पिक्चर्स को सिलेक्ट करोगे इंसर्ट करने के बाद, यू विल बी गेटिंग दिस टैब, फॉर्मेट टैब आपको मिलेगा, और फॉर्मेट टैब में पिक्चर लेआउट आ रहे हैं. आई जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, और इसमें ये थर्ड वाले सिलेक्ट करूंगा, सेकेंड रो के थर्ड कॉलम, दिस वन. आप देख रहे हो जैसे मैंने सिलेक्ट किया, आई एम जस्ट गेटिंग दैट ग्रीड. ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मैं इसे छोटा कर सकता हूँ और अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ. मैंने इसे जैसे ही छोटा किया, आप देख रहे हो जस्ट ये टीम स्ट्रक्चर तैयार हो गया आपके सामने, और एकदम डिफरेंट शेप्स में के जो थे वो एक सिंगल शेप में आ गया. इसे आप मैन्युअली आप एडजस्ट कर सकते हो आपको साइजेस में, साइजेस इन द सेंस कि जैसे ये साइज आपका छोटा है, इसे हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना. आप इसे बढ़ा भी सकते हो इधर से लाइक दिस, तो अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो. और एक मैं आपको इसमें एक प्रो टिप बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने आपने देखा है कि मैं जस्ट लेफ्ट और राइट कर रहा हूँ, बट इसे मुझे सेंटर में अलाइन करना है. तो एक और चीज़ मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, विच इज़ अलाइनिंग दिस टीम चार्ट. मैं क्या करूँगा, आई जस्ट गो टू फॉर्मेट टैब. फॉर्मेट टैब में जाऊँगा, यहाँ पर अरेंज का बटन आ रहा है. अरेंज में यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, अलाइन. अलाइन में जैसे ही जाऊँगा, आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ ऑप्शंस. मैं यहाँ पर जाऊँगा सेंटर. सेंटर करते ही आपका ये सेंटर में अलाइन हो गया, एंड आई एम गेटिंग दिस चार्ट. नाउ एड ऑन एक्टिविटीज़ आप क्या कर सकते हो, अभी इन सारे पिक्चर्स में कोई टेक्स्ट नहीं है. अगर आप इसे स्लाइड शो से चलाओगे, लेट से मैं स्लाइड शो से जैसे ही मैं चलाऊँगा, आप देख रहे हो यहाँ पर कोई नाम नहीं आ रहे, द पिक्चर्स आर ओनली कमिंग इन दिस वन. तो आप एड ऑन एक्टिविटीज़ में आप नाम भी डाल सकते हो, जस्ट आपको नाम यहाँ पर टाइप करना होगा, आपके पास ऑलरेडी स्पेस बने होंगे. लेट से मैं कुछ नाम आपको टाइप करके दिखाता हूँ. मैंने फर्स्ट रो में कुछ नाम टाइप किया. अब मैं जाता हूँ स्लाइड शो में. स्लाइड शो में जैसे ही मैं जाऊँगा, आई विल बी गेटिंग दिस नेम्स, और ये प्रॉपर ऑर्डर में आपके आ रहे हैं. एवरी थिंग इज़ फॉर्मेटेड. सिर्फ आपको एक क्लिक पे ये सारे चेंजेस करने हैं. आई होप आप हमारे ये ट्यूटोरियल को काफ़ी पसंद कर रहे होंगे, एंड यू आर जस्ट यू विल बी अप्लाइंग दिस एक्टिविटी इन योर ऑफिस ऑल्सो. और ये ट्रिप काफ़ी ऑसम था. आई होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल. थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे.